तो इधर हम तैयारी कर रहे हैं मोना के बर्थडे की, और अवारा गर्दी करने में तो हम बचपन से रेडी रहते हैं, तो 12 बजे घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए। हर बार की तरह हम इस बार भी निकल गए केक कट करवाने। इस बार मेरे घर पे इसलिए डेकोरेट कर रहे थे क्योंकि रात को 12 बजे तो अब हमारा ट्रेडिशन हो गया है और उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज तब होगा जब हम किसी दिन किसी के बर्थडे पे 12 बजे ना पहुंचे। इस बार मोना का एज ए बैचलर लास्ट बर्थडे है और नेक्स्ट ईयर फेब में उसकी शादी हो जाएगी, तो हमने सोचा कि इस बार उसके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। तो रूम डेकोरेट करके हम पहुंच गए मोना के घर ट्रेडिशन निभाने, और वो भी हमारा वेट ही कर रही थी क्योंकि रात को 12 बजे फ्रेंड्स का आना तो मस्त है। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं जो कि हम बचपन से फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, और हम लोग ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के बर्थडे पे रात के 12 बजे जाएं। ये मतलब काइंड ऑफ हमारा ट्रेडिशन बन गया है और बस ये हम करने का ट्राई करते हैं। तो हम उसके घर गए और हमने केक कट करवाया, और फिर उसके बाद मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे घर से कॉल आया है और मेरी कैट भाग गई है और मुझे इमरजेंसी में घर जाना पड़ेगा। मोना यहाँ ज़ोर ज़ोर से इसलिए हंस रही है कि क्योंकि उसको हम घर ले आए थे सरप्राइज़ देने के लिए, पर जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुई एक बलून जो है वो ज़ोर से फट गया और उसको आइडिया हो गया कि हमने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है और हमारा सरप्राइज़ फेल हो गया, और उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। खैर फिर उसकी हमने एंट्री करवाई और फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे और उसको देख के अच्छा ही लगा, ऑब्वियसली खुश थी वो। फिर हम लोगों ने दोबारा केक काटा। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा खुश था वो एक ही बंदा था, वो था हमारा छोटा सा बेबी जिसने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया और सबसे ज़्यादा खुश था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम मोना के घर वापस चले जाते हैं। हमारा नाइट स्टे का प्लान था, सुपिंदर वापस चले गई थी क्योंकि उसकी बेटी छोटी थी, और फिर हम लोग चिट चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी अपनी आईडी से बताओ हम कैसे दोस्त बने। ठीक है, तो हम दोस्त कैसे बने वो बता देती हूँ मैं आपको। ये मेरे को मिली थी 10th क्लास में, ठीक है, और ये मुझे मिली थी 11th क्लास में। 11th क्लास में ट्यूशन थी, ट्यूशन में मिली थी, हम ट्यूशन्स में साथ। हाँ, और इसको लगता है कि मतलब फर्स्ट डे जब इसने मुझे देखा इसको मेरे से हेट होगी, पर मैंने तो उसको देखा भी नहीं, मैंने कहा कौन है ये। फिर मोना हमारे लिए कॉफी बना के लाई जिसमें उसने उसके अंदर केक डाल दिया था और साथ में मैगी बना के लाई, पर कॉफी टेस्टी थी। फिर हम बातों में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमें आगे की रिकॉर्डिंग करने का ध्यान नहीं रहा। और ये सुबह का सीन है जब शार्विल को मुझसे प्यार हो गया था और वो रोना स्टार्ट हो रहा था जब मैं उसको बाय बोल रही थी, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये है एंड हमारे ब्लॉग का।